अगर आपका MSI का लैपटॉप है और उस MSI का लैपटॉप का आप ड्राइवर को डाउनलोड करना चाहते हो, जो जेन्युइन ड्राइवर है, पार्टिकुलरली उसी लैपटॉप का जो जेन्युइन ड्राइवर है आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप उसे कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हो? आपको यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेना है, या आप जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हो, आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर है तो आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन करता हूँ। क्रोम ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है MSI ड्राइवर, आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो MSI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो www.msi.com, तो आपको इसके वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन में ही चले जाना है। MSI का ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे फाइंड योर प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे इंटरफेस आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट है लैपटॉप, अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपका मॉनिटर है या ग्राफिक्स कार्ड है तो आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे लैपटॉप है और मैं ये लैपटॉप रिगार्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और लैपटॉप को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट टाइप में मैं यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट का टाइप है आपको उसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको प्रोडक्ट टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देखो टाइटन, ZT सीरीज, और आप भी आपको बहुत सारा सीरीज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपका जो भी सीरीज है तो आपको यहाँ पे उस सीरीज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइटन ZT सीरीज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो टाइटन ZT सीरीज का जो प्रोडक्ट मॉडल है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये दो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, जो दो प्रोडक्ट मॉडल है वो यहाँ पे शो हो रहा है, आपका इनमें से जो भी प्रोडक्ट मॉडल है तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, देन सर्च, और सर्च करने से पहले आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जो सीरीज है आपका लैपटॉप का वो सीरीज आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक और मॉडल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और आपका जो भी मॉडल है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पार्टिकुलरली इस मॉडल का जो लैपटॉप है, जो आपका इस मॉडल का लैपटॉप है उसका यहाँ पे ऑफिशियल आपको ड्राइवर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, जो ऑफिशियल ड्राइवर है पार्टिकुलरली उसी लैपटॉप का जो मॉडल है, उस लैपटॉप का मॉडल का आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी का यहाँ पे ड्राइवर है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे बायोस ड्राइवर है, जैसे आप यहाँ पे देखते हो बायोस ड्राइवर है, और यहाँ पे और भी आपको ड्राइवर आपको हो सकता है यहाँ पे शो होगा, ब्लूटूथ ड्राइवर या वाईफाई ड्राइवर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखते हो वायरलेस लैन या ब्लूटूथ, टच पैड, ग्राफिक्स, चिपसेट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, या ऑडियो का आपको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यूटिलिटी आप भी आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, या माउस रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिलेगा। तो आपको जिस भी ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो आपको उस ड्राइवर को सिंपली, जैसे मैं यहाँ पे मान के चलिए, जैसे मैं यहाँ पे टच पैड पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे टच पैड से रिलेटेड ड्राइवर को डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पर टच पैड पर क्लिक किया हूँ, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टच पैड से रिलेटेड ये आपको ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी ड्राइवर होगा वो आपका शो हो जाएगा। जैसे ग्राफिक्स से रिलेटेड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड में यहाँ पे मेरा ड्राइवर शो हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो इंटेल ग्राफिक्स ड्राइवर, और एनवीडिया ग्राफिक्स का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, और जो उसका अपडेटेड डेट है, जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे कंपनी वाले जो ड्राइवर है उसे अपडेट करते ही रहते हैं, तो यहाँ पे आपको उस डेट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो ड्राइवर का जो लेटेस्ट अपडेटेड डेट है। और अब आपको जैसे इसे डाउनलोड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वर्क का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आप यहाँ पे इसे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी आपका ड्राइवर मिसिंग है, टचपैड से रिलेटेड अगर आपका ड्राइवर मिसिंग है, या वाईफाई से रिलेटेड आपका ड्राइवर मिसिंग है, एक ग्राफिक्स या चिपसेट या ऑडियो से रिलेटेड आपका ड्राइवर मिसिंग है, तो आप यहाँ पे उसे मैनुअली तरीके से इस तरह जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ इसी तरह आपको उसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है।
और इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम होगा ग्राफिक्स से रिलेटेड या ब्लूटूथ से रिलेटेड या ऑडियो से रिलेटेड जिस भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।